हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन साकी कौसर शाफ़े महशर मेरे और तुसा सारिया दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दसा मुतहराते अल्लाह साड़ी तरफों बेहद्दो हिसाब दुरूदो सलाम दी बरखा बरसाए। दुआए सेहत जितने भी साढ़े अहबाब अजीज जिस जिस मुकाम ते बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब नू मुकम्मल सेहत या फरमाए। अजीज साथियों नबी अली सलातु वसलाम हिजरत करके मदीना तय्यबा दे अंदर तशरीफ लै गए। और मदीने दे अंदर जाके सन 2 हिजरी का वाकया कि अल्लाह जुल जलाल ने बकायदा नमाज मुसलमाना ते फर्ज कर दी। पांच नमाजा बकायदगी दे नाल अदा करनिया ने। लोगों नूं हुण नमाज वास्ते मस्जिद के अंदर बुलाना है ते एदा तरीका कार की होना चाहिए। नमाज फर्ज जो हो गई है हुण पंजा नमाजा दे टाइम लोगों नूं जदों मस्जिद बुलाना है नमाज वास्ते की तरीका होना चाहिए। कुछ ने मशवरा ये दिता है सियाबान देने के हजूर नाकूस बजाना चाहिए। आपने फरमाया कि नाकूस बजाना नसारा दा काम है। इस वास्ते असी जेड़ा काम ईसाई करते ने करना नहीं। होर कोई मशवरा दो। कुछ ने मशवरा ये दिता है हजूर अली इस्लाम नू कहन लगे कि बगल बजाओ। ये भी एक आल है। नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि सहाबियो बगल यहूद बजाते ने ते इस्लाम दा यहूदीयत दा आपस कोई ताल्लक लिंक नहीं। जेड़ा काम अपनी इबादत वास्ते यहूदी करते ने असा वो भी काम करना नहीं। कुछ ने मशवरा यह दिता है हजूर अली इस्लाम नूं आंदे ने कि बुलंद जगह ते एक टीले ते अग बाल दईए। जदों नमाज दा टाइम होवे बुलंद टीले ते अग जला दईए और अग दा जदों भांबड़ रोशन होएगा अग जलेगी लोगों नूं पता चल जाएगा कि हुण नमाज वास्ते बुला लिया गया। मेरे आका फरमाते ने अग बाल के इबादत करना मजूसियां दा काम है। इस्लाम ते मजूसीयत दा भी आपस कोई ताल्लक नहीं। असा अग जला के भी लोगों नूं नमाज वास्ते बुलाना नहीं। आप फरमाते ने चलो मशवरा करो जहन दौड़ाओ कोई बेहतर जिहा मुनासिब तरीका लोगों नूं नमाज वास्ते बुलाने लई असी जिहड़ा ना वो करना है। नबी अली इस्लाम दे परवाने आप दे जानिसार आप दे सहाबा
चले गए ने अपने अपने घर घरों घरी जा के आराम कर रहे ने। रात का वक्त है, सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है। गल बड़ी मैं अज पते दी करन लगा जे ते गल बड़ी समझ के सुनिया जे, होशियार होके बेदार होके अज दे मसले जहन नशीन करन दी कोशिश करे आजे। ए अजान दी इब्तदा कदों होई है और निमाद वास्ते लोगों जदों बुलाना है इहदे वास्ते तरीका किवें इजाद होया है। मेरे मुस्तफा दे परवाने आप दे जान इसार अपने अपने घर जाके आराम कर रहे ने। ते मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक परवाना ना इहदा वे हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अनहो अपने घर जाके आराम कर रहे ने। ते सहाबी रसूल ख्वाब दे अंदर वेंदे ने कि इस तरह एक ऊंचे टीले ते पहाड़ ते एक बड़ा ही खूबसूरत फरिश्ता आया। तो फरिश्ता आके कहिंदा है, ख्वाब दे अंदर फरिश्ता आके कहिंदा है सहाबी नू, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अजान जेड़ी असी पढ़ने हैं ना अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अनहु, मेरे पैगंबर दे परवाने नू ख्वाब आया ते ख्वाब दे अंदर फरिश्ता आ के एक टीले ते अजान कहिंदा है। ते फरिश्ते ने जदों अजान दे एक कलिमात पढ़े ने ना अल्लाहु अकबर तो अजान शुरू की थी। हुण असां फरिश्ते नू जाके नहीं सी कहा भी अजान अल्लाहु अकबर तो शुरू करनी है, फरिश्ता अपनी मर्जी नाल आया नहीं, अल्लाह की मर्जी नाल आया है, सहाबी दी ख्वाब अंदर आया। सहाबी ने इनू कलिमात पढ़दे सुन लिया और सहाबी ने कलिमात नू याद कर लिया और मसला समझ लो कि अजान की इब्तदा फरिश्ते तो हुई है, फरिश्ता सहाबी की ख्वाब च आया है तो फरिश्ते ने अल्लाह अकबर तो आके अजान का आगाज किया है। दिन चढ़िया मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाहु तआला अनहु तशरीफ ले आंदे ने ते आके ना नबी अली सलाम नू ये सारे वाकया ख्वाब वाला बयान किया है। मेरे आका फरमांदे ने ये रब दी तरफों साडी रहनुमाई कर दी गई है, ये कलिमात बड़े ही अच्छे ने, ये कलिमात बड़े प्यारे ने। हुण लोगां नू निमाद वास्ते जदों बुलाना है एक कलिमात पढ़ के बुलाना है। आप फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अनहु नू हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु नू बुला लो। हजरत बिलाल नू बुलान दा मकसद है वे मेरे प्यारे बिलाल दी आवाज उच्ची भी है ते आवाज सोनी भी है, बुला ले। आप फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन जैद नू जेड़े कलिमात तेनू सिखाए गए ने मेरे बिलाल नू कहिंदा जा, ते बिलाल रजी अल्लाह तआला नू आपने फरमाया तू उच्ची आवाज़ नाल एक कलिमात पढ़दा जा। अजान हो गई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनहु दौड़दे होए आए, अल्लाह दे रसूल जी ए कलिमात ते राती मैनू भी ख्वाब दे अंदर सिखाए गए ने, दो से आबादी तस्दीक हो गई। ऐ तरीका अजान वास्ते नबी अली इस्लाम ने पसंद फरमाया। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु हुण एक कलिमात पढ़ के लोगों नू अजान वास्ते बुलांदे ने, लोगों नू पता चल जांदा है कि हुण नमाज दा वक्त हो गया है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी फजीलत नू बयान फरमाया और फिर मेरे मुस्तफा इस्लाम ने अजान दी अहमियत नू उजागर फरमाया। मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़िया अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम है किसी कबीले दे किसी कौम दे किसी इलाके दे अंदर हमला करने वास्ते जाते ना ते मेरे आका अली सलाम फरमाते सहाबियो रात इंतजार करो, फौरन जाके किसी कबीले दे हमला नहीं करना, किसी मुल्क दे किसी बार्डर दी सरहद ते जाके किसी ते फौरन जाके हमला नहीं करना, रात इंतजार करो। अगर सुबह फज
फजर की अजान सुन लवो तो फिर हमला ना करया जे क्यों। अगर फजर की अजान सुन लवोगे फिर उम्मीद है कि उस इलाके दे अंदर मुसलमान मौजूद ने, ते जिथे मुसलमान मौजूद हो उथे हमला नहीं करना, उन्हां दे नाल जंग नहीं करनी। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इस रवायत दे रावी ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने कि जदों नमाज वास्ते मस्जिद दे अंदर अजान पढ़ी जांदी है, जदों नमाज वास्ते लोगों नूं अजान कह के बुलाया जांदा है, आका फरमांदे ने शैतान अजान दी आवाज सुन के दूर नठ जांदा है, शैतान करीब नहीं रहिंदा, ये दौड़ ला देंदा है, ये नठ जांदा है। अजान दी आवाज सुन के शैतान रुकदा नहीं, शैतान ठहरदा नहीं। फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम ने अजान दी फजीलत नूं इंज करके बयान फरमाया, और आओ कुरान दी आयत मुबारक भी सुनो और अपने सीने कुरान दे नूर नाल मुनव्वर फरमा लो। ए कुरान दा पारा 24वें ते सूरत दा नाम सूरत हामीम सजदा है। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने वमन अहसन कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह व आमिल सालिहन व काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमांदे ने वमन अहसन कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने उस बंदे नालों चंगी गल की दी हो सकती है, उहदे नालों चंगी बात वाला की दी हो सकती है, जेड़ा लोगों नूं अल्लाह दे वल बुलांदा है, जेड़ा लोगों नूं नमाज वास्ते अजान कह के बुलांदा है। अगे फरमाया वा आमिला सालिहन, अमल चंगे करदा है, अमल अच्छे करदा है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी ताबेदारी करदा है। वा काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और अपने आप नूं मुसलमान कहलवांदा है। मेरे आका फरमांदे ने इस बंदे नालों चंगी गल है ही किसे दी नहीं, जेड़ा लोगों नूं अल्लाह वल बुलांदा है, यानी अजान कह के लोगों नूं मस्जिद की तरफ बुलांदा है कि आ जाओ नमाज वास्ते आ जाओ। आ वेखो ना, असीं उस बंदे दा भी अदब एहतराम करने आ जेड़ा किसे उच्ची शख्सियत की तरफों पैगाम लैके आए, भाई फलाना बंदा फलाने का पैगाम लैके आया है, ये बंदा बड़ी इज्जत वाला है, ये बंदा बड़े आजाद वाला है, इनू फलाने ने पैगाम दे के मेरे तक भेजे है, यार ओदी किस्मत दे के आ कहने जेड़ा मैनू तुहानू बुलांदा है ते अल्लाह वल बुलांदा है, जेड़ा अल्लाह दी गल करके अल्लाह दे घर वल बुलांदा है। और मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत मुस्लिम दे अंदर 387 नंबर हदीस है, आका फरमांदे ने अल मुअज्जिनूना अतवलुन नास आनाकन यौमल कियामत। मेरे आका फरमांदे ने मुअज्जना दियां गर्दना कियामत दे दिन उच्चियां होनगियां, और नबी अली इस्लाम ने फरमाया मुअज्जन अजान पढ़ने वाले जेड़े लोग ने ना, ये कियामत दे दिन रुतबे दे इतबार दे नाल, मुकाम और शान दे इतबार दे नाल, मेरे आका फरमांदे ने सब तो बुलंद होणगे, इन्हां दे मुकाम नाल कोई राली नहीं सकदा, मुअज्जन की इज्जत मुकाम और शान इन्ना ज्यादा है। मेरे आका फरमांदे ने कियामत दे दिन इज्जत इन्हां दियां सब तो ज्यादा होणगियां, कियामत दे दिन मर्तबा इन्हां दा सब तो ज्यादा होएगा। और एक और हदीस सुनो और अपना ईमान ताजा कर लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अजान दी फजीलत नूं इस तरह करके भी बयान फरमाया, आप फरमांदे ने अगर तुहानूं अजान कहन दी फजीलत दा अजान पढ़न दे सवाब दा पता चल जाए, इहदे दर्जे दा पता चल जाए, मेरे आका फरमांदे ने तुसी कुरा अंदाजी करन पै जावो, ताकि अजान मैं कहनी है तुसी कुरा डालो कि अजान कहन लई वारी मैनू मिल जाए, यानी लोग इन्नी कसीर तादाद दे अंदर अजान पढ़न वास्ते जमा हो जान, फिर तुहानूं कुरा डालना पै जाए, तुहानूं कुरा अंदाजी करनी पै जाए, पर्चियां पाउणियां पै जान कि लोगों के विचों लोग इस जौक और शौक दे नाल मस्जिद दे अंदर हाजिर हो जाने। अगर तुहानूं पता चल जाए अजान का स्वाब की है, अल्लाह जुल जलाल
ਨਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨੂਨ ਵਲ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨੁ ਯੁਗਫਰੁ ਲਹੁ ਬਿਮਤਿ ਸੌਤਿਹਿ ਵਯੁਸੱਦਿਕੁਹੁ ਮਨ ਸਮਿਅਹੁ ਮਿਨ ਰਤਬਿਮ ਵਯਾਬਿਸਿਨ ਵਲਹੁ ਮਿਸਲੁ ਅਜਰਿ ਮਨ ਸੱਲਮਅਹੁ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਿਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ 647 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਹਰ ਪੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਲਾਹੁ ਮਿਸਲੁ ਅਜਰਿਨ ਮਨ ਸੱਲਮਅਹੁ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹਰ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਲਾਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਾਂਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਨ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨਾ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਾਂਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਨਾ ਬਾਈ ਵਾਜਿਦ ਬੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਹਵੈਰਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਸ ਰਵੈਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਰੇ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਹਵੈਰਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੱਸੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਲੂ ਕਮਾਰਾਈ ਤੁਮੂਨੀ ਉਹ ਸੱਲੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਹਵਾਰਸ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
काबातुल्ला दे अंदर हुंदी है। क्यों? वो इस्लाम दियां असल बुनियादां वाली जगह है, उत्थों ही इस्लाम शुरू होया है, उत्थों इस्लाम दी आबयारी होई है। उत्थे दीन खालस नहीं ते दुनिया दे किसे कोने ते दीन खालस नहीं हो सकदा। अल्लाह सानू मक्के मदीने वाला दीन लैण दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे आका फरमांदे ने नमाज उस तरह पढ़नी है वीरियो जिवें अल्लाह दे नबी नूं नमाज पढ़दे वेखे है। आया एक आने वाला मेरे पैगंबर दे कोल, आके अर्ज करदा अल्लाह दे नबी जी मेरे कोलो गुनाह बड़ा वड्डा हो गया है, मैं बड़ी वड्डी गलती कर बैठा वा, हजूर दसो मेरा गुनाह किवें माफ हो सकदा है। अल्लाह दे नबी जी मेरी गलती अल्लाह किवें माफ करनगे, मैं किवें अपने गुनाह नूं माफ करवा सकना वा। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने परवानिया मुअज्जन बन जा, अजान पढ़िया कर। अल्लाह तेरे अजान पढ़न की वजह तो, अल्लाह तेरे मुअज्जन बन जाने की वजह तो अल्लाह तेरे गुनाह नूं अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा देंगे। अजान पढ़न दे नाल बंदे दे गुनाह माफ हो जाते ने। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वमन अहसनु कौलम मिम्मन दुआ इल्लल्ला व आमिला सालिहन व आमिला सालिहम व काला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया उस बंदे तो चंगी गल भला कि हो सकती है जेड़ा लोगों का राबता रब नाल करवांदा है, जेड़ा लोगों नू अजान कह के रब वल बुलांदा है, जेड़ा नमाज वास्ते बुलांदा है, जेड़ा मस्जिद की तरफ लोगों नू बुलांदा है। इहदे नालों चंगी बात, चंगी बात कौल, इहदे नालों अच्छी बात कायनात अंदर किसी की नहीं हो सकती। हदीस पाक के अंदर मौजूद है मेरे पाक पैगंबर ने अजान पढ़न की बड़ी फजीलत नू बयान फरमाया। अजान पढ़िया करो, अजान का अल्लाह ने बड़ा सवाब रखे है। अजान पढ़ने वाले दे रब गुनाह माफ कर देंदे ने। अजान पढ़न की बरकत दे नाल जिन्ने लोग मस्जिद के अंदर नमाज वास्ते आते ने अल्लाह इन्हां दे बराबर का सवाब अता फरमा देंदे ने। और कोशिश करिया करो अजान बावजू होके पढ़ी जाए। हाँ अगर कोई मजबूरी बन गई है, टाइम ज्यादा हो गया, बस औकात बंदा लेट फेट हो गया, अजान कही जा सकती है, लेकिन अच्छी बात ये वे अजान बावजू होके क्या करो, ये अमल बड़ा अच्छा है, ये अमल बड़ा उच्चा है, अजान बावजू होके देनी चाहिए। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हुण तुसा अजान दा जवाब देना है ते किवें देना है। आओ हदीस पाक दे अल्फाज सुनो। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाहु तआला अनहु मेरे पैगंबर दे बांगे ने अजान कह दिती है, जदों अजान पढ़ ली ना ते मेरे आप मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने मन काला मिसला हाजा यकीनन दाखल अल जन्ना। ये रवायत नसाई दे अंदर 675 नंबर हदीस। मेरे आका फरमाते ने जिन्हें मुअज्जन दी मिसल कलेमात गए, यानी मुअज्जन दे नाल नाल उस तरह अजान दा जवाब देंदा गया। मेरे आका फरमाते ने यकीन दे नाल एक कलेमात कहन वाला अल्लाह एदा टिकाना जन्नत बना देंदे ने, अल्लाह इनू जन्नत च दाखिल फरमा देंदे ने। और एक और हदीस नबी अली सलाम दी मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा अजान दे कलेमात सुन के अजान दी मिसल जवाब देंदा जांदा है, फिर अजान सुन के एक कलेमात पढ़दा है रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी मैं तुहाडे रब हूं ते राजी, मैं इस्लाम नू दीन मन के राजी, मैं नबी अली इस्लाम नू अपना नबी मुक्तदा पेशवा इमाम रहबर हादी मन के राजी हो गया। अल्लाह जी मैं इन्हां कलेमात दा इकरार कर रहा। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने मुस्लिम दे अरफाज ने आप फरमांदे ने गोफेरा लहु जंबहु, एक कलेमात अजान सुन के कहने केड़े रजी तो बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मद नबिया। आका फरमांदे ने अल्लाह एदी जिंदगी दे सारे गुनाह ही साफ कर देंदे ने, सारे गुनाह इहदे माफ हो गए। और फिर नबी अली इस्लाम दी हदीस आप फरमांदे ने जदों मुअज्जन अजान कहिंदा ते सुम्मा यकूलुल मुअज्जन, तुसी मुअज्जन दी मिसल उंजी जवाब देंदे जावो जदों मुअज्जन अजान मुकम्मल कर लै। हाँ जिते हय्याल सलाह हय्याल फलाह आएगा उत्थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दे अल्फाज पढ़ने ने,
जदों मुअज्जिन अजान मुकम्मल कर लैंदा है आप फरमाते ने फिर बंदा मेरा उम्मती सुम्मा सल्लू अलैया, मैं अल्लाह दे नबी ते दरूदे पाक पढ़द, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने फिर नाल एक कलेमात पढ़द, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती तामा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदन अल वसीला वल फजीला वबासहु मकामा महमूदन अल्लज़ी वअता। जेड़ा बंदा एक कलेमात पढ़ लें मेरे आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा मैं अल्लाह दा नबी एदी अल्लाह दे कोल सिफारिश करांगा। हुन आपने फरमाया अजान सुन के सुम्मा सल्लू अलैया, मैं हदीस दा जिम्मेदार हाँ, मैं हवाले दा जिम्मेदार हाँ वीरियो। मेरे आका फरमाते ने अजान सुन के मेरे ते की करना है, दरूदे पाक पढ़ना। असी दरूदे मुनकर नहीं, मुगालता लग गया किसी नूं, असी कहने अजान तो बाद पढ़ना है क्योंकि नबी पाक ने बाद च दस्या है। मेरा भरा आंदा मैं पहलों पढ़ना है, तुसी कौन हुंदे हो मैनू पुछण वाले, असी भाई कदों तेरा मुंह फड़ सकने हैं, तू कर अपनी मर्जी। तू लेबल जो लाया अहले सुन्नत वाल जमात दा ते हर काम नबी दी सुन्नत दी मुखालफत दे अंदर आ, मैं दरूद पढ़न दा मुनकर नहीं, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है वीरियो, अगर मेरी मुहब्बत तुसानू मैं दस दिया, मेरा दिल ये करता है मैं जनाब अद्धी रात तो पहले उठ के सारी रात दरूद पढ़ता रहा, फिर जाके फजर की अजान कहां, फजर तो लैके जोर तक दरूदे पाक पढ़ा, फिर जोर की अजान कहां, जोर तो असर तक दरूदे पाक पढ़ा, फिर असर की अजान कहां, असर तो मगरब, मगरब तो ईशा, ईशा तो फजर। अगर मेरी मुहब्बत पूछना चाहते हो, लेकिन मैं अजान तो पहले दरूद ता नहीं पढ़ता, मेरे नबी ने दसिया नहीं दसे, फर्क बस इन्ना है। लड़ाई कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, गल समझन दे अंदर फर्क आ गया है। दुआ करो अल्लाह सानू समझन दी तौफीक अता फरमाए, ते उम्मती ओ हुंदा है, मुहिब ओ हुंदा है जेड़ा नबी दे दसे तरीके ते अमल करे। दुआ करो अल्लाह सानू पैगंबर दे दसे तरीके ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। लड़ाइयां कोई नहीं जे दीन दे अंदर एवें पा दित्तियां गईयां ने, ते दुआ करो जिन्हां लड़ाइयां पा दित्तियां ने फितने दीन दे अंदर पा के ते लोगां नू अजमैश दे अंदर मुतला करके रख दिता है, अल्लाह उन्हां नलायकां नू हदायत अता फरमा दे। अल्लाह फरमांदे ने व मन अहसनु कौलम मिम्मन दुआ इल्लाह, फरमाया ओदे नालों चंगा केड़ा हो सकता है जेड़ा लोगां नू अल्लाह दे वल बुलांदा है, मस्जिद दे वल बुलांदा है, अल्लाह अकबर दा नारा ला के अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद करके लोगां नू नमाज दे वास्ते जमा करदा है। और आओ नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुअज्जिन मेरे पाक पैगंबर दे बांगे हजरत सैयदना अबी महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत सुनन अबी दाऊद दे अंदर मौजूद है, सुनन नेसाई दे अंदर भी मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर ने मक्का फतेह कर लिया है, अल्लाह दे नबी मक्का फतेह करके हुनैन वल गए ने, हुनैन वल्लों मेरे आका वापस आ रहे ने, ते रस्ते दे अंदर ना कुछ बच्चे ए बकरियां चार दे पै ने, बकरियां चार दे आ चार दे आ, एक बच्चा कहन लगा आओ जेड़ा मुसलमाना दा नबी आ रहा है ना उहदे नाल उहना दा बांगा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अनहु, ते बिलाल अजान इंज करके पढ़द रज़ी अल्लाह तआला अनहु, इन्हां पांच सत बालां ने ना नकल उतारी मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अनहु दी। जदों इन्हां नकल उतारी नबी पाक ने आवाज सुन ली, अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने सहाबियो इन्हां बच्चियां नूं मेरे करीब लैके आओ ना। जदों नबी पाक दे करीब लैके आंदा है मेरे आका फरमांदे ने हुण नकल उतारो ना, हुण मेरे बिलाल दी नकल लाओ ना, एक बच्चा दो तीन चार पांच हजरत अबी महजूरा रजी अल्लाह तआला अनगो इन्हां नकल उतारी ते हू बहू उतारी, इन्हां जनाब वट कट छड़े अजान पढ़न दे, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर इस्लाम ने इस तरह करके सीने ते थापड़ी दिती है, ते नबी अली इस्लाम ने कुछ जनाब इनाम दे थैली दे अंदर कोई चीज़ अपने सहाबी नूं बनन वाले नूं इनाम तोहफा भी दिता है। मेरे आका चलन लगे ने ते अबी महजूरा रो पै, अखां चो आंसू जारी हो गए, अल्लाह दे नबी जी मेरे सीने ठंड पा के हुण मैनूं इंज छड़ के ना जाओ, उम्र दस
कु साल दी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर नू आंदे ने हजूर मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो ना। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, सहाबी फिर रो पिया, अल्लाह दे नबी जी तुसी मक्का फतह कर लिया, तुसी ते मदीने चले गए हो, जाहिर है तुहाडी मस्जिद नबवी मदीने दे अंदर है ते आकर मक्के दे अंदर, हुण बैतुल्लाह दे अंदर भी ते किसी ने अजाना पढ़नियां ने ना। हजूर मैनू बैतुल्लाह दा मुअज्जिन नहीं बना देंदे। मेरे आका फरमांदे ने अभी महजूरा रजी अल्लाह तआला अनहु, जा अज तो बाद काबातुल्लाह दा तू मुअज्जिन है। रजी अल्लाह तआला अनहु शाम दे क्या कहने, मुकाम दे क्या कहने, इज्जत दे बुलंदियां दे क्या कहने। और ए जड़ी अजान तरजीह वाली है ना, अजान दे कलिमात चौरे, ये हजरत अभी महजूरा रजी अल्लाह तआला अनहु तो ही साबित है। आंदे ने नबी अली सलाम ने मैनू तरजीह वाली अजान सिखाई, तरजीह वाली अजान दी तरगीब नबी अली सलाम ने हजरत अभी महजूरा नू दिती। ये रवायत अबू दाऊद सुनन निसाई दे अंदर मौजूद है, मशकातुल मुसाबी दे अंदर भी मौजूद है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इस अजान दे नाल अकामत दे कलिमात दोहरे सिखलाए ने। साडे अक्सर मस्जिदां दे अंदर अजान हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहो वाली पढ़ी जाती है ते अकामत अभी महजूरा वाली पढ़ी जाती है, जबकि ऐसा नहीं। अगर अजान अभी महजूरा वाली है ते फिर अकामत दे कलिमात भी दोहरे हजरत अभी महजूरा वाले पढ़ने चाहिए ने। अगर अकाम अजान हजरत बिलाल वाली है फिर अकामत दे कलिमात नबी पाक ने कारे अपने सहाबा नू सिखलाए ने। हजरत अभी महजूरा रजी अल्लाह तआला अनहु बयान करते ने, सुनन अभी दाऊद हदीस का नंबर 501, अपने अखी खोल के हदीस का मुतालिया कर लो। मेरे आका फरमांदे ने अभी महजूरा जदों फजर की अजान कहनी है, हय्याल सला हय्याल फला, एक कलिमात पढ़ के ते फिर एक कलिमात दो वरी कहने ने, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम। अक्सर लोगों नु मुगालता लग गया, आंदे ने एक कलिमात दी आजाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनहु दे दौर दे अंदर हुई है। हजरत उमर ने वादा किया, जबकि ऐसी बात हरगज नहीं, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम दे कलिमात। सुनन अभी दाऊद 501 नंबर रवायत है, अभी महजूरा रजी अल्लाह तआला अनहु बयान करते ने, नबी पाक ने मैनू सिखलाए ने, यानी एक कलिमात फजर दी अजान च नबी पाक ने सिखाए, सहाबीए रसूल ने पढ़े। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर दी अजान दे कलिमात जेड़े अजाफा करना सी ओ वी दस दिते। हाँ, एक अजान दी होर वजाहत करदे आ, मीह पैंदा पिया है, तेज हनेरी तूफान चलदा पिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबी हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अनहु और जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनहु दीगर सहाबी इस हदीस नू बयान करदे ने। ये रवायत भी बुखारी दे विचों पढ़न लगा। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर इस्लाम मुअज्जिन नू कहिंदे, हजरत जनाबे बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु नू कहिंदे, बारिश हो रही है, मीह पैंदा पिया है, तेज तूफान नेरी चलदी पई है, हुण तुसां अजान जदों पढ़नी है ना, हय्याल सला हय्याल फला, इन्हां कलिमात दी जगह ते ए कलिमात कह दियो, अला सल्लू फिर रिहाल, या दूसरे कलिमात अला सल्लू फी बयूतकुम, दोवें लफ्ज़ हदीसे पाक दे अंदर मौजूद है। ये हय्याल सला हय्याल फला दी जगह ते पढ़े जा सकते ने, अजान मुकम्मल करके अजान तो बाद भी ये कलिमात पढ़े जा सकते ने। मतलब की है, मीह पैंदा पे है, तुहानूं डिगन दी गिटे गोडे तुड़ान दी लोड़ कोई नहीं, जिथे जिथे भी रुके हो अपने घरों करी निमाद पढ़ लो, अल्लाह जमात दा सवाब दे देवेगा। किड्डा आसान दीन है, असा किन्ना औखा कर दिता। कदी किसी ने अजान च कलिमात पढ़े ने जदों मीह पैंदा पिया हो? तुसी गिटे गोडे तड़ाओ, जो मर्जी करो, मसीते आओ। नबी अली इस्लाम ने रुखसत दे दिती, मीह पैंदा पिया, बारिश पैंदी पई है, वीरियो जिथे जिथे रुके हो, मुअज्जिन औखा सौखा मसीते आके सारियां नू अज़ान पढ़ के एक कलिमात कह के रुखसत दे दे। अल्लाह ने दीन नू मुश्किल नहीं बनाया, अल्लाह ने दीन नू आसान बनाया। दुआ करो अल्लाह दीन दी सहूलत तो सानू फायदा लैण दी तौफीक दे। मक्के दे अंदर अज भी कहे जांदे ने कलिमात, अरब दे अंदर मदीने दे अंदर एक कलिमात अज भी पढ़े जांदे, ते तेरे मुल्क दे अंदर इत्थे भी सुने जे करी वैसे पढ़े जांदे ने।
मेरे अलावा कोई नहीं जे पढ़दा, मैं किवें मन्ना कि नबी दी सुन्नत नाल प्यार हुंदे। वा मन अहसनु मिन मन दुआ इल्ला, अल्लाह फरमांदे ने ओदे नालो चंगा कौन हो सकदा है जेड़ा लोगां नू अल्लाह दी तरफ बुलांदा है, अजान दे के लोगां नू मस्जिद दी तरफ बुलांदा है। हजरत अबी महजूरा तो बाद हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु, ए मेरे पैगंबर दे मदीने दा मुअज्जन है, मस्जिद नबवी दा मुअज्जन है, अबू महजूरा मुअज्जन काबातुल्ला दे, अजान नबी पाक ने सिखाई, ए मुअज्जन मस्जिद नबवी है। और वो अजीम मुअज्जन ने जदों मक्का फतह होया, अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर दे इस परवाने नू, मेरे पैगंबर दे इस गुलाम नू काबातुल्ला दी छत दे चढ़ के अजान कहन दा मौका अता फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और बिलाल वो मेरे पैगंबर दा अजीम बंग है जेड़ा चलदा जमीन ते वे इहदे कदमा दी आवाज रब दी जन्नत दे अंदर सुनाई देंदी है। और मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कहा करदे सी, आंदे सी मेरी जिंदगी दा मकसद दुनिया ते सिर्फ नबी पाक दी गल नू उच्चिया करना है, मैं अपनी गल नू उच्चिया नहीं करदा, मैं नबी पाक दी बात नू उच्चिया करना वा। जदों असी नबी दी बात नू उच्चिया करांगे ना, अल्लाह दी कसम असी अपने आप ही इज्जत वाले बन जावांगे। ये ना क्या कर मैं मुफ्ती मौलवी ते इमाम दी बात नू उच्चिया करना है। जदों भी किसी चीज़ का रेफरेंस बयान करते हो, हवाला बयान करते हो, हवाला इंज करके बयान करिया करो, एहदीस मेरे नबी दी है, एहदीस मेरे नबी दी है। ते इस हदीस नू नबी दे फलाने यार ने बयान कीता, नबी दे फलाने सहाबी ने बयान कीता, नबी दी फलानी बीवी ने बयान कीता, नबी दी फलानी सहाबिया ने बयान कीता, इंज करके गल करिया करो। ये ना क्या करो मेरे फलाने ने मसला दसिया, मेरे फलाने ने मसला दसिया। दुनिया ते मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी का मकसद भी रहा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल नू उच्चिया करना है, अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दी बात नू उच्चिया करना है। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी दे अंदर मेरे बिलाल सहरी दी अजान पढ़ते हुंदे सन, और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक पैगंबर दा नबीना सहाबी है, हजरत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी सक्की है, हजरत खदीजा दी फूफी दा पुत्र हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु शुरू शुरू के अंदर ही मुसलमान हो गए, यानी आगाज के अंदर ही अल्लाह ने इन्हों इस्लाम की दौलत दे नाल माला माल फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर फजर की अजान पढ़िया कर दे, मेरे बिलाल तहज्जुद की अजान पढ़िया कर दे, और फिर जोहर असर मगरब ईशा ये भी चार अजाना मस्जिद नबवी के अंदर हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़िया कर दे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दे अंदर इन्हां मुअज्जना दियां ड्यूटियां लाइया ने, तू फलां अजान पढ़नी है प्यारिया, तू फलां अजान पढ़नी है। और मस्जिद कुबा जिहड़ी इस्लाम की पहली मस्जिद है जिहदियां इट्टां नबी पाक ने अपने यारां दे नाल मिल के, मेरे महबूब नबी ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मेरे महबूब पीर ने अल्लाह दे नबी ने मुबारक हत्थां दे नाल अपने गोरे चिट्टे चमकते खुशबूदार हत्थां दे नाल इस तरह इट्टां फड़ फड़ के अपने सहाबा दे नाल मिल के मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद की तमीर की है। और मस्जिद तमीर करके मस्जिद कुबा दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम ने जड़ा मुअज्जन मुकर्रर किया अजान पढ़ने वास्ते, नबी पाक ने जिदी ड्यूटी लाई है हजरत साद अल कुरज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे पैगंबर का वह बांगा है जड़ा मेरे पैगंबर दी इस्लाम तो बाद पहली मस्जिद मस्जिद कुबा दे अंदर अजाना पढ़दा सी, फजर जोर असर मगरब इशा दी अजान मस्जिद कुबा दे अंदर हजरत साद अल कुरज रजी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते रहने। और फिर नबी अली इस्लाम दे दौर तो बाद हजरत जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आया, तो अनु पता है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दी रहलत तो बाद नबी दा बांगा मदीना छड़ के चला गया। फिर
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद अल कुरज रजी अल्लाह तआला अन्हु नु मस्जिद कुबा चो लिया के मस्जिद नबवी का बांगा मुकर्र कर दिता है। मस्जिद नबवी के अंदर अजान पढ़न की ड्यूटी ला दी है। ये मेरे पैगंबर के चार मुअज्जन ने, मेरे पैगंबर के चार बांगे ने जिन्हें नबी पाक की जिंदगी के अंदर अजाना पढ़िया, जिन्हें नबी पाक की जिंदगी के अंदर लोगों अल्लाह के घर के वल बुलाया। हजरत अभी महजूरा बैतुल्ला के मुअज्जन ने हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के ए तहज्जुद की अजान जोर असर मगरब के ईशा के मुअज्जन ने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम है और नबी का नबीना प्यारा सहाबी है। जो मेरे आका बदर के अंदर गए ने नबी पाक अपना मुसल्ला अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम नू दे के गए ने। सहाबा नू पिछों निमाज माड़े गरीब और कमजोर ज़ईफ वडेरी उम्र के जेडे सहाबा ने उन्होंने निमाज अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम पढ़ाते ने। नबी पाक जदों भी किसी सफर से जाते ने अपनी जगह पर इमाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम नू मुकर्र करके जाते ने। ये फजर की अजान पढ़ते होंगे सन कितने मस्जिद नबवी के अंदर। हज़रत बिलाल चार अजाना जोर असर मगरब शाह तहज्जुद की अजान मस्जिद नबवी के अंदर। हज़रत साद अल कुरज नबी पाक के दौर च कितने अजान पढ़ते होंगे सी मस्जिद कुबा के अंदर। वीरियो अजान पढ़ना बड़ी फजीलत वाला अमर गल मुक गई। मेरे आका फरमाते ने मुअज्जन जदों अजान पढ़द एदी आवाज जितों तक जाती है क़यामत नू सारे खुशक ते तर जर्रे एदे वास्ते अल्लाह की अदालत दे अंदर गवाही देंगे और एदी अजान सुन के जिन्ने लोग मस्जिद च नमाज पढ़न आनगे अल्लाह सारियां दे बराबर इनू सवाब अता फरमा देंगे। और दूसरी हदीस जिहड़ी मैं आगाज अंदर पढ़ी है आने वाला आया है नबी पाक नू आके आंदा है अल्लाह दे नबी जी गुनाह बड़ा वड्डा कर लिया है, दसो मेरा गुनाह किवें माफ़ हो सकता है। मेरे आका फरमा ने वीरिया अजान क्या कर मुअज्जन बन जा, मस्जिद जाके अजान पढ़िया कर, अल्लाह तेरी अजान दी बरकत दे नाल तेरे हुए गुनाह नू अपनी रहमत नाल माफ फरमा देंगे। और मेरे आका फरमाते ने अगर अजान कहन दे सवाब दा तुहानू पता लग जाए तुसी सारे जमा हो जाया करो हर अजान दे टाइम मस्जिद ते तुहानू कुरा पाना पै जाया करे, तुहानू परचियां पानिया पै जाया करन। इन्नी फजीलत अजान देन दी नबी अली इस्लाम ने बयान फरमाए। अल्लाह अगे दुआ है अल्लाह सानू अजान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह लोगों नू अल्लाह दे घर वल अजान पढ़ के बुलान दी तौफीक अता फरमाए। ऐ अजान दे मुतल्लक कुछ वजाहतां कुछ ऐसियां चीज़ां सी कि जेड़े अक्सर लोग सवाल करते सी मैं तुसां अहबाब दे सामने इख्तसार दे नाल बयान कीता। दुआ है अल्लाह मैनू और तुहानू नबी अली सलातो वसलाम दे तरीके आप अली सलातो वसलाम दे दसे हुए अमल दे मुताबिक अल्लाह सानू जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।